जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने के बाद ललन सिंह इतनी सफाई क्यों दे रहे हैं? जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह बार बार यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से उनके रिश्ते पहले की तरह ही मजबूत हैं। कोई आरोप जो उन पर लग रहा है, जो सियासत के अलावा मीडिया में जो चर्चे हैं, वो बेबुनियाद हैं। आखिर ललन सिंह को दिल्ली से लेकर पटना और लखीसराय तक इतनी सफाई क्यों देनी पड़ रही है? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके ललन सिंह अब कह रहे हैं कि मेरे बाद नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे रहते हुए भी नीतीश कुमार बड़े फैसले ले सकते थे और अब तो नीतीश कुमार बड़े फैसले लेंगे और उनके कहने के अनुसार मैं काम करूंगा। लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ है। ललन सिंह बता रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को जलील किया, अपमानित किया, उसके बाद भाजपा के साथ तो जाने का अब प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन क्यों बार बार यह चर्चा की जा रही कि नीतीश कुमार का मन डोल रहा है, नीतीश कुमार ललन सिंह को हटाकर बीजेपी के करीब जा सकते हैं? ललन सिंह इन तमाम सवालों पर पटना से लेकर लखीसराय में पहुंचकर सफाई दे रहे हैं। ललन सिंह दिल्ली से लेकर लखीसराय तक सफाई दे रहे हैं। पटना पहुंचने के बाद ललन सिंह अपने लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में थे। मंच से ललन सिंह पूरे इस्तीफे के प्रकरण पर एक एक बात समझा रहे थे। बीजेपी के ऊपर हमलावर थे, बीजेपी के खिलाफ अभी भी ललन सिंह के तेवर क्यों कम नहीं पड़े हैं? अगर नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ जाते तो ललन का तेवर ठंडा होता, लेकिन ललन सिंह का तेवर कम नहीं हो रहा है। ललन सिंह यह बता रहे हैं कि उनके इस्तीफे से बीजेपी के नेता गदगद नहीं हो, नीतीश कहीं नहीं जाने वाले हैं, लेकिन ललन सिंह को सफाई क्यों देनी पड़ रही है, ये सवाल है। सुनिए ललन सिंह क्या कुछ अपने सफाई में कह रहे हैं। सारा रोजगार खत्म कर दिया, कोई भी रोजगार किसी भी सरकारी विभाग में पिछले 10 साल में कोई नौकरी नियुक्ति नहीं हो रही। इस केंद्र सरकार में 2 विभाग हैं, एक रेलवे और एक भारतीय सेना, जहां प्रतिवर्ष हजारों लोगों को नौकरी मिलती थी। कोई बताइए जरा खड़गवारा के एक आदमी भी बताइए, एक नौजवान बताए 10 साल में कभी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से कोई विज्ञापन छपा है? नहीं छपा है, नहीं छपा है, नहीं छपा है, बंद कर दिया। तो देश में रोजगार कहां से मिलेगा? नौजवान को रोजगार कहां से मिलेगा? आज इंजीनियरिंग पास करके हमारे यहां भी आते हैं, क्षेत्र के लोग आते हैं, इंजीनियरिंग पास किए हुए, दर दर भटक रहा है। कभी आता है मेरे यहां कोई प्राइवेट कंपनी में कहवा के 5,000 का नौकरी, 10,000 का नौकरी रखवा दीजिए। ये है देश का शासन और ये है देश का सरकार। काम क्या है? कुछ नहीं, या तो धार्मिक उन्माद फैलाना या समाज में भ्रम पैदा करना, और कुछ नहीं। आज देश का जितना मीडिया है, जितना टीवी चैनल है, कोई नहीं है। अब टीवी चैनल और देश का मीडिया, मीडिया नहीं बचा है। मीडिया का मतलब होता है निष्पक्ष होना, और निष्पक्षता के साथ आकलन करना, और आकलन करके उसका पूरा सत्य जनता के सामने रखना, यह है मीडिया का काम। लेकिन मीडिया आज नहीं है, मीडिया सब नियंत्रण में है, सब उनके नियंत्रण में है। अगर आज मीडिया में कोई एक खबर देश के सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक मीडिया में अगर एक खबर चलेगा, कल उसके यहां सीबीआई या ईडी पहुंच जाएगा उसके यहां जांच करने के लिए, अच्छा पा मांगने। ये है सबको नियंत्रण करके रखा, उसमें लिखेगा, वहां से आता है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से आता है कि आज आपको क्या चलाना है, पूरे मीडिया में क्या चलाना है, उसका पूरा मुद्दा वहां से बन के आता और वही मीडिया चलाता रहेगा लगातार सुबह से शाम तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक, 4 दिन तक, जब तक अगला मुद्दा उसको नहीं मिलेगा तब तक उसी को चलाता रहेगा और उसी मुद्दा पर पूछेगा हमसे, आपसे, इनसे, उनसे,
क्या प्रतिक्रिया है? आप कह रहे भैया हम तो भागे रहते हैं, हम तो मीडिया से दूर रहते हैं, इसलिए कि हम मीडिया वाले हैं ही नहीं। आज तक हम क्षेत्र में विकास किए हैं, काम किए हैं, जितना सड़क बनवाए, रोड बनवाए, कभी आज तक हम उद्घाटन करने कभी देखे हैं आप लोग कि हम उद्घाटन करने गए? नहीं जाते, इसलिए कि हमारा काम है काम करना। जनता ने हमको जो जिस काम के लिए भेजा है वो काम करके हम जनता को समर्पित कर देंगे। जनता खुद जानती है कि कौन काम कर रहा, कौन काम किया है, तो इसलिए हम नहीं करते हैं। लेकिन इनको चाहिए, देश का इतिहास बदल रहे, देश का इतिहास बदल रहे हर चीज। इस देश में संसद भवन था, संसद भवन कितना बढ़िया था, गुंबद जैसा लगता था, ऐतिहासिक भवन था, नया बिल्डिंग बना दिया। कौन बना दिया? मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे। अब मोदी जी उद्घाटन कर दिए और 4 महीना तक उसमें अंदर में काम चल रहा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।